सो हेलो गाइज, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बल्ब, फ्यूज बल्ब से बनाने वाले हैं स्नो ग्लोब। अब देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या करना है। तो ये बनाने के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं, ये ग्लिटर चाहिए, एक ग्लिटर चाहिए, ठीक है, कोई भी कलर का ले सकते हैं। यहाँ एक्वेरियम में डाला जो जाता है प्लांट टाइप से, आप कोई ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेकोरेटिंग के लिए बहुत सारा शेप में रहता है, वो ले सकते हैं। इसके बाद ग्लिसरीन चाहिए, बल्ब चाहिए, और ये गन ग्लू चाहिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए। तो चलिए मैं बनाता हूँ गाइज, इसको अभी हम कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सो गाइज, आपको केयरफुली कट करना है ताकि बल्ब जो है टूटे ना। उसके बाद जो है आपको ये निकाल लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रू से आपको सेफली केयरफुली आपको इसको तोड़ना है और पूरा अंदर का साफ कर लेना है। अब यहाँ पे करते हैं इसको। तो गाइस, ग्लू गन से ग्लू लगाने के बाद ये प्लांट लगा देना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे। तो होगा भी नहीं गाइस, अभी ये हाफ कंप्लीट हुआ, हाफ देख सकते हैं। इस तरीके से इसको बनाना है, इसका ये कवर है, इसको पहले मैं निकाल देता हूँ इस तरीके से, ऐसे मैं डाल देता हूँ। तो गाइस ये आपको इसमें डालना है, ठीक है, आपको ज़्यादा भी नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है, ताकि ये अच्छा लुक दे। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इतना मसाला मैं डाल दिया हूँ, सिल्वर कलर भी ले सकते हैं। तो गाइस अब इस बल्ब में ग्लिसरीन डालते हैं, पर मैं जितना इस वीडियो में डाल रहा हूँ उससे आप थोड़ा कम डालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब आपको पानी ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस ग्लिसरीन मिलाने के बाद, पानी ऐड करने के बाद इस तरीके का ये दिख रहा है, ठीक है। अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि ये मछली डाल दूंगा, पर ये जो है जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि होल इसका बहुत छोटा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा लीक हो रहा है, तो इसको मैं ग्लू गन से फिक्स कर दूंगा। इस पर ग्लू गन साइड पे लगाने से ये फिक्स हो जाएगा, पानी इसके अंदर से बाहर नहीं आएगा। Thank you.
फाइनली हमारा ये स्नोबॉल कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है हैंडक्राफ्ट। सो गाइस ये फाइनली बन के तैयार है, देख सकते हैं कि आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा। और रांची में जहाँ पर भी ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, तो भाई जिसके पास भी जा रहा है तो जरूर से जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके का बना है ये क्राफ्ट, ठीक है, एक बल्ब से, ठीक है, आपने देखा ही।